हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने BI मतलब आइडिया की सिम का बैलेंस कैसे डाल सकते हैं अपने घर पे मोबाइल से। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको फ़ोन पे ओपन करना है। जैसे ही आप अपने फ़ोन पे ऐप पर ओपन करेंगे तो आपको ऊपर की ओर थोड़ा बढ़ाना है। जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिचार्ज और बिल का पेमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है मोबाइल रिचार्ज DTH। यहाँ पर से आप अपनी DTH मतलब छतरी का बिल भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बिजली का बिल, क्रेडिट बिल पेमेंट, किराया पेमेंट, लोन पेमेंट, सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ़ोन पे मोबाइल रिचार्ज। तो यहाँ पर आप फ़ोन पे मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़ोन पे नंबर पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर मांगेगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा नंबर डालूँगा 75। यहाँ पर मैं अपने पिताजी के मोबाइल पर रिचार्ज करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर की ओर जाना है। जैसे आपका नंबर डल जाएगा तो यहाँ पर आपको वो मतलब बता देगा कौन सी सिम की है आपकी सिम, कौन सी कंपनी की सिम है। तो यहाँ पर आपको बता देगा। तो यहाँ पर आपको जाना है थोड़ा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ऊपर की ओर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको ऑफ़र दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर ऑफ़र देखेंगे तो आपको डाटा डालना है। तो यहाँ पर से आप थोड़ा इसको इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड ऑन डाटा का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप ऐड ऑन डाटा के ऑप्शन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा भी मिल जाएंगे। जैसे आपको 6 GB डालना है तो यहाँ पर 49 रुपये का डल जाएगा, 151 रुपये का 8 GB डल जाएगा। तो मुझे डाटा नहीं डालना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर कर दिया तो यहाँ पर मैं जाऊँगा पॉपुलर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर मैं पॉपुलर वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं पर क्लिक करूँगा तो की ओर थोड़ा बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर मुझे 180 रुपये का ये रिचार्ज करना है। तो मैं यहाँ पर ये रिचार्ज के ऑप्शन पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर 180 वाले रिचार्ज पर जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 181 रुपये आपके पेमेंट हो गए, मतलब 1 रुपये आपका ज़्यादा कटेगा। तो यहाँ पर मैं पेमेंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर अपना पैटर्न डालूँगा, मतलब लॉक पासवर्ड डालूँगा। यहाँ पर से मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ फ़ोन पे का। मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन पे का पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में आपको बता देगा आपका रिचार्ज हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए लाइव प्रूफ मेरा रिचार्ज हो गया है। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।